एक अमीर फादर का बच्चा अमीर होता है। हाँ ये देखो, अगर मॉम के पास पैसे ना हो तो भी। लिली की जॉब बहुत मुश्किल है, वो सारा दिन फ्लोर साफ करती रहती है। ध्यान से सुनो सब लोग, हमारा रेगुलर कस्टमर यहाँ है। मार्टिन बहुत अमीर है और वो बहुत हैंडसम भी है। मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं? सिर्फ एक सेकेंड। ओप्स, आप कह सकते हैं किसके पास बहुत सारे पैसे हैं? क्या यहाँ पैसों की बारिश हो रही है? एक्सक्यूज मी, तुमने कुछ गिरा दिया। तुम कितनी ईमानदार हो, ये बढ़िया है, शानदार। क्या तुम पे करने वाले हो? टाइम नहीं है, मुझे अभी के अभी शादी करनी है। लव बर्ड्स, तुम अपना सामान भूल गए? हाँ, हम अपने साथ ले जा रहे हैं। लिली और मार्टिन एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये पेरेंट्स से मिलने का समय है। हनी एक सेकंड रुको, मैं अभी वापस आया। और जब तक मार्टिन अपने शूलेस बांध रहा है, लिली बहुत ही अजीब लोगों से मिलने वाली है। तुम बहुत गरीब हो लड़की, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें शुक्रिया मत कहो। मार्टिन, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में चिंता मत करो। ये रहे मार्टिन के पेरेंट्स, वही लोग, महंगी कार वाले। मार्टिन हमेशा की तरह लेट है, मुझे देखना है उसकी नई गर्लफ्रेंड कौन है। हमारा बेटा आ गया। वेटर प्लीज खाली ग्लास उठा लो, एमिली के लिए सब लोग नौकर हैं। और ये लो टिप। मॉम, ये वेट्रेस नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ बैठ जाओ। खैर खैर खैर, मार्टिन इतनी गरीब लड़की को कैसे चुन सकता है? लिली के पास एक जरूरी न्यूज है, मार्टिन और मेरा बेबी होने वाला है। देखो दो लाइन, मुबारक हो बच्चों। बेटा, मुझे तुम्हें हग करना है। मॉम, क्या आप खुश हो? आप दादी बनने वाली हो? नहीं, एमिली इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मार्टिन अपना इरादा नहीं बदलेगा, उन्हें ये मानना होगा। और उससे ज्यादा, एमिली लिली को बदलने में मदद करेगी। उसे नीचे रखो हनी, गोल्ड टॉय नहीं होता। चलो चले, तुम्हें थोड़े अच्छे कपड़े लेने चाहिए। चलो इससे शुरू करें। ये ड्रेसेस बहुत महंगी है पर सुंदर भी है ना? तुम्हें क्या लगता है कि सुंदर है? अगली ड्रेस ट्राई करो। लिली, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे बेकार चीजें नहीं चुननी, लेकिन मुझे चुननी होंगी। ये मास्टरपीस है, ये बहुत फैशनेबल है, इसके ऊपर शक भी मत करो। लिली जितनी बुरी लगेगी उतना बढ़िया। लड़कियों, हम लेट हो जाएंगे, ये सब क्या है? लिली की पसंद सच में बहुत बेकार है, ये नहीं चलेगा। ये पहन कर देखो, एडम ने एमिली के शादी प्लान को खराब कर दिया। ये यहाँ पर है ही क्यों? ये लो, हमें शानदार ड्रेस मिल गई। डैडी कुछ और नहीं चुनेंगे। कैश रजिस्टर पर जाओ लड़कियों, ये काफी होना चाहिए। फैमिली डिनर जरूरी है, लेकिन एक इंसान इतनी सारी कटलरी आइटम्स कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये अब मार्टिन को दिखेगा कि लिली उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जेम्स, तुम्हें पता है क्या करना है? लिली आज असली का फोक और स्पून चैलेंज करेगी। मार्टिन, मुझे क्या करना चाहिए? उसका फियांसे उसको कभी मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। दूसरी ले लो, दाया या बाया, ये वाला या ये वाला। लिली को आखिरकार सही स्पून मिल गया। मुझसे इस डिजर्ट को ट्राई करने का इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, इसे ट्राई करो, तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। क्या इस केक को इतना तीखा होना चाहिए था? मुझे अभी के अभी पानी चाहिए। अब ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये पानी अपने हाथ धोने के लिए होता है, कितनी बेवकूफ है। लिली, उसे नीचे रखो, अमीर लोगों के अजीब रूल्स होते हैं। एमिली और लिली ब्यूटी सैलून में पक्की अच्छी दोस्त बन जाएंगी। ब्यूटी लोगों को साथ लाती है। एक चॉकलेट मास्क, बहुत खास, मैं ये खाना चाहती हूँ। क्या मैं भी ये मास्क लगवा सकती हूँ? कोई परेशानी नहीं, बहुत सस्ते क्यूकुम्बर पैचेस। आराम करो और मजे करो।
लेकिन जब तुम्हें बहुत भूख लगी हो तुम्हारे पास आराम करने का समय नहीं होता। क्या मैं और क्यूक्यूम्बर मास्क ले सकती हूँ? हमारे क्लाइंट के लिए कुछ भी, पूरी प्लेट दे दो। ठीक है, क्या पक्का ये ब्यूटी सैलून है? रेस्टोरेंट की तरह ज्यादा लग रहा है। ये चॉकलेट बहुत अच्छी लग रही है। एमिली को गुस्सा नहीं आएगा, है ना? प्रेग्नेंट औरतों को अजीब सी क्रेविंग्स होती हैं। क्यूकुम्बर और चॉकलेट बहुत अच्छी है। तुम क्या कर रही हो लिली? तुम मेरा मास्क खराब कर रही हो। तुम्हें पता है एमिली, मुझे बहुत भूख लगी थी। इस लड़की को बिल्कुल तमीज नहीं है। बेबी होने ही वाला है, इसका मतलब हमें नर्सरी तैयार करनी होगी। हमें ये कहाँ रखने चाहिए हनी? कमरा शानदार लग रहा है, बेबी को ये पक्का पसंद आएगा। लेकिन डैड कमरे को अलग ढंग से सजाना चाहते हैं। आजकल के बच्चे भी ना, उनको नर्सरीज के बारे में कुछ नहीं पता। इस कमरे को और सजाने की जरूरत है, और गोल्ड। ये महंगा दिखना चाहिए। अब ठीक है, और ग्रैंडपा की तरफ से ये खास गिफ्ट, मेरे कीमती पोते के पास कीमती बॉटल होनी चाहिए। एडम, ये तुमने कमरे का क्या किया? क्या तुम्हें ये पसंद आया लिली? ये सब बेबी के लिए है, और हम इस डायमंड से पेसिफायर बनाएंगे। अच्छी बात है एमिली आ गई, सिर्फ वही है जो एडम को रोक सकती है। हनी, तुम यहाँ से जाओ, ये सब बहुत गंदा है। तुम क्या कर रही हो लिली? चलो यहाँ से गोल्ड निकालो, ये तो आंखों में बहुत चुभ रहा है। चलो इसको वैसा ही कर दे जैसा ये था, और कुछ चीजें और रख दो। तुम यहाँ पर बैठो टेडी बियर। ये लोग मेरे बिना क्या ही करेंगे। फैमिली ने आज तक एक साथ फोटो नहीं खिंचवाई, चलो इसे बदले। रिच फोटोशूट स्टार्ट करो। ये बहुत सीरियस है, ऐसा लग रहा है वो कोई फिल्म बना रहे हैं। अपने चेहरे से स्माइल हटाओ, अमीर लोग स्माइल नहीं करते। और पिक्चर्स को और शानदार होना चाहिए, चलो थोड़ी चमक लाएं। अब ठीक है, रुको, कचरा फैलाना बंद करो, पुरानी आदतें मुश्किल से ही जाती हैं। हमें अभी साफ करना होगा। कोई पानी लेकर आओ, मम्मी सफाई होते देख परेशान हो गई है। लिली, अभी के अभी पोछा नीचे फेंको। ये फोटोशूट एक पूरे सपने में बदल गया। लिली और मार्टिन को पेरेंट्स कोर्स करना होगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, हमें बॉटल का इस्तेमाल करना आ गया। डायपर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। हनी, बुक में क्या लिखा है? लेकिन उन्हें इन कोर्सेज की जरूरत क्यों है? जब एमिली यहाँ है वो तुम्हें दिखाएगी डायपर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ो माइकल। वाह, ये तो आर्ट है। कोई बात नहीं, लिली भी ये कर सकती है, बस ध्यान दो और परेशान मत हो। बस साइज बड़ा होना चाहिए। आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया? मुझे लगता है बच्चों को मेरी और मदद नहीं चाहिए। बढ़िया किया हनी। साल की बेस्ट पार्टी में आपका स्वागत है। ये समय है जानने का कि लड़का होगा या लड़की। सबसे अमीर मेहमान आ गए, हमें ढंग से बर्ताव करना होगा। हनी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट मुझे दो। ओह, ये सारे रूल्स, तुम्हें इन सब की आदत कैसे पड़ेगी? मुझे लगता है अब हम सारे यहाँ हैं, अब शुरू करना चाहिए। लिली ने ये सरप्राइज खुद बनाया है। ओ नहीं, अब पार्टी खराब हो जाएगी। लिली, इसको अभी दूर करो, मुझे कुछ बेहतर मिला है। एमिली भी ना, अमीर पार्टी में सस्ता कार्डबोर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ बड़े गुब्बारे। ठीक है, क्या सब तैयार है? चलो इसे फोड़ते हैं। गोल्ड कंफेटी, क्या जाहिर है कि बच्चा अमीर होगा, पर ये नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की। और अब लिली का बॉक्स ही काम आया, इसे खोलो। पिंक कंफेटी, ये लड़की होगी। फिर से किसी ने एमिली की तारीफ नहीं की। ये फैमिली आज रात सो नहीं पाएगी। क्या वो समय आ गया? मार्टिन, उठो, वो समय आ गया। ओह, मैं कुछ घंटों की नींद के लिए कुछ भी दे सकता हूँ। डील के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता। जाग जाओ अभी के अभी। मार्टिन, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं अभी चलता हूँ। सब अपनी जगह पर रुको, उसके पेरेंट्स बात को अपने तरीके से संभाल रहे हैं। ओह, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बस मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो।
सब हो गया। लिली और उसकी बेटी सबको मिलने के लिए तैयार हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ है। वो बहुत खुश है। ओ, ये बहुत क्यूट है। एमिली का दिल आखिरकार पिघल गया। अब ये एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? आपको क्या लगता है, लिली और मार्टिन अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल को दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर अलग लाइफस्टाइल के स्केचेस मिस ना कर पाएं।